बच्चों, आज हम तरबूज का रस का अध्ययन करेंगे। इसमें बताया गया है कि तरबूज का जो रस है वह कैसा है। माली काका आए, खरबूजा और तरबूज लाए। पूजा खरबूजा काट कर खिला, खरबूजा बहुत मीठा था। जूही अब तरबूज ला, छिलका छील कर तरबूज काट, वाह कितना लाल तरबूज। बीज निकाल कर खाओ, तरबूज का रस निकाल, लाल लाल तरबूज का लाल रस। नूतन इधर आओ, तरबूज का लाल रस पियो, वाह कितना मीठा रस। इसमें तरबूज के बारे में बताया है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे खरबूजा, इस पे बड़ी उ की मात्रा है, और तरबूज, इस पे भी बड़ी उ की मात्रा है। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिसमें बड़ी उ की मात्रा लगी हुई है, तो ये उसी से संबंधित है। इसमें कुछ प्रश्न भी बनाए गए हैं और उनके उत्तर जो हैं आपको इसी में मिल जाएंगे। माली काका क्या क्या लाए, तो माली काका क्या क्या लाए, खरबूजा और तरबूज लाए। खरबूजा कैसा था, तो खरबूजा कैसा था, मीठा था। तरबूज किस रंग का था, तो तरबूज लाल रंग का था। है लाल रंग का होता है और उसका रस जब बनाया जाता है तो वो और भी मीठा लगता है। इसमें आइए देखते हैं किसने क्या किया। पूजा जूही नूतन माली, देखिए प पे बड़ी उ की मात्रा पूजा, ज पे बड़ी उ की मात्रा जूही, और न पे बड़ी उ की मात्रा नूतन। तो ये शब्द उसी से संबंधित है। अब इसमें देखिए, पहला दिया है रस पिया, रस किसने पिया, नूतन ने। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं खरबूज और तरबूज लाए, तो खरबूजा और तरबूज कौन लाया, आपको उससे मिलाना है। तरबूज काटा, तरबूज किसने काटा, आपको उससे मिलाना है। खरबूजा काटा और खरबूजा किसने काटा, वो आपको मिलाना है। अब इसमें देखिए, सही शब्द चुनकर चित्रों के नाम लिखो। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, तो जो शब्द जिस चित्र के लिए है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला दिया है सुराही, ये मिट्टी की क्या है, सुराही पहला लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे में देखिए, बना है क्या है, ये चूहिया, वो आपको इसमें लिखना है। तीसरा सूप, यहाँ कौन बैठी है, गुड़िया, ये क्या है, जूता, और ये तराजू, आपको यहाँ से ढूंढ के लिखना है। अब देखिए एक और है, चित्र के नाम पर गोला लगाओ। चित्र बना हुआ है उस पर गोला लगाना है। पहला चित्र देखिए बना हुआ है, उस पर गोला लगा हुआ है भालू। दूसरा जो चित्र है उसमें आपको गोला लगाना है कि ये कौन सा फूल है, बगुला है, गुलाब है या गुलाल है। तीसरा चूड़ी है या पूड़ी है या चूरी है, आपको उस पर लगाना है। ये अभ्यास कार आप करिएगा, इसके उत्तर हम भेज देंगे। धन्यवाद।